हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट वेक्टर्स। ओके, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि वेक्टर की ओन एलजेब्रा मेथड है, मतलब कि नॉर्मल एलजेब्रा जो मेथड है उससे कुछ हटके उसकी मेथड है वेक्टर्स की। तो आज हम वही स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले वेक्टर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सपोज हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया है, सपोज हमने ये क्या किया, एक वेक्टर ड्रॉ किया है। तो इस वेक्टर के अंदर जो ये पार्ट है उसे क्या कहते हैं, हेड। वेक्टर का जो ये एरो वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं, हेड। और जो पीछे वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं, टेल। तो वेक्टर के अंदर ये दो चीज याद रखनी है, एरो वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं, हेड, और पीछे वाला जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं, टेल। ओके, तो अब क्या बात करने वाले, सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पोजिशन वेक्टर। ओके, सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर। ओके, तो चलो, पोजीशन वेक्टर एक्चुअल में है क्या। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल यहाँ पे हम रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई एक एक्सिस है। ओके, फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस, या दूसरी एक्सिस है एक्स एक्सिस। मतलब कि हमने यहाँ पे जो सिस्टम अज्यूम की है वो सिस्टम एक्चुअल में कितनी है, मतलब कितने डायमेंशन की है, टू डायमेंशन की है। ओके, यहाँ पे हमने जो सिस्टम अज्यूम की है वो एक्चुअल में क्या है, टू डायमेंशनल सिस्टम। अब इस टू डायमेंशनल सिस्टम के अंदर सपोज आपको कोई एक वेक्टर दिया गया, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कौन सा वेक्टर दिया गया, वेक्टर ए। तो अब हमें पता है ये पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन पे। ओके, जो ओरिजिन पे है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ऑलवेज 0 0। ये पॉइंट ओके, इस पॉइंट ने क्या किया, इस पॉइंट ने एक्स एक्सिस में भी कुछ डिस्टेंस कवर किया है और वाई एक्सिस में भी कुछ डिस्टेंस कवर किया है। ओके, इस वेक्टर ने क्या किया, एक्स एक्सिस में भी कुछ डिस्टेंस कवर किया है, सिमिलरली वाई एक्सिस में भी कुछ डिस्टेंस कवर किया है। तो एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस किया है कवर, उसका डिस्टेंस कितना है, सपोज ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है एक्स जितना। ओके, और y एक्सिस में जितना डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, ओरिजिन से हम मेजर करेंगे तो वो फॉर एग्जांपल y जितना डिस्टेंस कवर किया। ओके, इस वेक्टर ने ओरिजिन से डिस्टेंस कवर किया कितना, x एक्सिस में x जितना और y एक्सिस में y जितना डिस्टेंस कवर किया। इस वेक्टर का नाम हम खुद दे देते, सपोज ये वेक्टर है वेक्टर a, सपोज ये कौन सा वेक्टर है हमारा, वेक्टर a। तो इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड करें तो क्या मिल जाएंगे, x एंड y, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है x, दूसरा क्या होता है y। तो x एक्सिस में डिस्टेंस कितना था x, इसीलिए x। y एक्सिस में डिस्टेंस कितना था y, इसीलिए y। मतलब के इस पॉइंट के, मतलब इस वेक्टर के हमें कोऑर्डिनेट कितने मिले, दो। इनिशियल कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला था इसके अंदर, इनिशियल कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला था, 0 0। मतलब इस वेक्टर ने स्टार्ट कहां से किया था, ओरिजिन से, मतलब 0 0 से। इस वेक्टर के फाइनल कोऑर्डिनेट हमें कहां पे मिले, एक्स वाई पे। मतलब इस वेक्टर ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, एक्स एक्सिस के अंदर डिस्टेंस किया है एक्स, वाई एक्सिस के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है, वाई। ओके, तो अगर चलो हमें इसकी पोजीशन फाइंड करनी है तो पोजीशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। पोजीशन फाइंड करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, किसके लिए, पोजीशन फाइंड करने के लिए। तो यहां पे हम पोजीशन वेक्टर कह देते हैं, फॉर एग्जांपल ये सपोज हमारा वेक्टर क्या था, वेक्टर ए। तो इसका पोजीशन वेक्टर कह देते हैं फॉर एग्जांपल हम आर वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर हम क्या कह देते हैं, फॉर एग्जांपल आर वेक्टर। तो चलो, पोजीशन वेक्टर मतलब के आर वेक्टर। तो यहां पे आर वेक्टर की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पोजीशन वेक्टर एक्चुअल में हमें क्या बताता है, किसी भी पार्टिकल की प्लेन के अंदर पोजीशन। ओके, किसी भी पार्टिकल की इस प्लेन के अंदर पोजीशन हमें किससे पता चलती है, पोजीशन वेक्टर से। तो चलो, पोजीशन वेक्टर फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, पोजीशन वेक्टर फाइंड करने की फॉर्मूला, एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको देता हूं। पोजीशन वेक्टर यहां पे कौन था, पोजीशन वेक्टर था सपोज आर। तो R की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल टेक्निक है हेड माइनस टेल। पोजीशन वेक्टर फाइंड करने की फॉर्मूला हमें क्या मिली, हेड माइनस टेल।
तो चलो हेड की वैल्यू क्या थी, पहले तो हेड किसे कहते हैं, जो एरो वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं हम, हेड। तो यहाँ पे हेड की वैल्यू क्या थी, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे हेड के कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई माइनस टेल के कोऑर्डिनेट क्या थे, जीरो जीरो। तो ये क्या हो गया, जीरो जीरो। अब एक्स में से हम जीरो माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स। वाई में से हम जीरो माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाई। मतलब कि हमारा जो पोजिशन वैक्टर है, जो हमारा पोजिशन वैक्टर है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स वाई। हमारा जो यहाँ पोजिशन वैक्टर है उसकी वैल्यू क्या है, एक्स वाई। ऐसा आप लोगों ने बहुत पहले किया है, नंबर लाइन। जब आप छोटे थे तब नंबर लाइन स्टडी में आती थी मैथ्स के अंदर। तो नंबर लाइन में कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करते थे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो वेक्टर में फाइनल क्या होता है, हेड। इनिशियल क्या होती है, टेल। इसीलिए हमें क्या करना है, हेड माइनस टेल, मतलब फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। उससे आपको क्या मिल जाएगी, वेक्टर की पोजिशन। ओके, दूसरा कंसेप्ट हमने एक और सीखा था, वो था यूनिट वेक्टर, बराबर। वो तो आपको पता ही है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली वन। मतलब के अगर यूनिट वेक्टर हम किसी भी वेक्टर के अंदर, मतलब यूनिट वेक्टर हम कहीं भी मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी नंबर के साथ, तो सिर्फ क्या मिलेगी हमें, डायरेक्शन। क्योंकि उसकी वैल्यू तो कितनी होती है, वन। मतलब हमारा नंबर एज इट इज रहेगा, सिर्फ उसकी एक डायरेक्शन हमें पता चल जाएगी। तो यूनिट वेक्टर का एक्चुअल वर्क क्या है, यूनिट वेक्टर का एक्चुअल वर्क है डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना। ओके, ये तो हमें पता है यूनिट वेक्टर का वर्क क्या है। अब चलो हम बात करने वाले हैं वेक्टर के एलजेब्रा की। मैंने बताया था कि वेक्टर का एलजेब्रा हटके है, थोड़ा डिफरेंट है, बराबर। सबसे थोड़ा डिफरेंट है, मतलब नॉर्मल एलजेब्रा जो आपने पढ़ा है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उससे वेक्टर का एलजेब्रा थोड़ा हटके है। तो आज के लेक्चर में हम, मेन टॉपिक हमारा वही है, एलजेब्रा ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ। मैंने एक बार इसके पहले के लेक्चर में एक चीज बोली थी कि वेक्टर के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन में भी लोग क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं और रॉन्ग आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो उसका एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। ओके, क्वेश्चन कुछ सपोज इस तरीके से था। ओके, यहाँ पे बोला था कि सपोज ये है हमारा वेक्टर ए, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर ए, ये हमारा दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब चलो इसका आंसर क्या आएगा, अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हो। ओके, वीडियो को पॉज करके, चीटिंग नहीं करनी है, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। ओके, चलो आपको, अब मैं आपको रियल कंसेप्ट बताता हूँ। मतलब मैंने पहले ही बोला था, ये वेक्टर में जो मिस्टेक होती है वो किसकी वजह से होती है, कंसेप्ट की वजह से। अगर आपको कंसेप्ट वेक्टर का रियल पता ही नहीं है तो आप आंसर कैसा टिक करोगे, ऑलवेज रॉन्ग। और 60-70% बच्चे रॉन्ग ही आंसर टिक करके आते हैं। तो चलो, रियल कंसेप्ट क्या है, रियल कंसेप्ट ये है, यहाँ पे मैं एक लाइन लिखता हूँ, ये लाइन आपको याद रखनी है, क्या, इफ वी कनेक्ट, इफ वी कनेक्ट टू वेक्टर्स, इफ वी कनेक्ट टू वेक्टर्स हेड टू हेड और टेल टू टेल, If we connect two vector head to head or tail to tail, मतलब यहाँ पे important याद क्या रखना है, important thing याद रखनी है, head to head या tail to tail। मतलब दो vector को हमें क्या करना है, joint करना है, but कैसे joint करना है, या तो head to head या तो tail to tail। तो चलो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो vector को head to head joint करेंगे, नहीं तो tail to tail। तो चलो concept actual में क्या है, concept actual में ये है कि if we connect टू वेक्टर्स हेड टू हेड और टेल टू टेल, देन स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम, स्मॉलेस्ट एंगल इज एंगल बिटवीन देम, ओके, हमें याद क्या रखना है,
कि अगर हम दो वेक्टर को क्या करते हैं, हेड टू हेड ज्वाइन करते हैं या क्या करते हैं, टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो स्मॉलेस्ट एंगल बनता है वो हमारा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये दोनों एंगल हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्टेड है या नहीं। चलो इसमें क्या है, वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी की टेल यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे कनेक्शन कैसा है, हेड टेल का कनेक्शन है। कैसा है, हेड टेल का कनेक्शन है। बट हमें कनेक्शन कौन सा चाहिए, हेड टू हेड या टेल टू टेल। तो चलो एक बात याद रखनी है, अगर हम किसी भी वेक्टर को उसकी डायरेक्शन चेंज किए बिना और मैग्नीट्यूड भी हमें चेंज नहीं करना है, ओके अगर हम किसी वेक्टर को उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना उसे हम अगर कहीं शिफ्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स मतलब यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। सपोज ये क्या था, वेक्टर है, तो यहां से मैंने एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया, ओके यहां से मैंने क्या किया, एक और वेक्टर ड्रॉ किया जिसकी लेंथ कितनी थी, ये ए वेक्टर जितनी ही थी। यहां से मैंने एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया जिसकी लेंथ कितनी थी, ये ए वेक्टर की जो लेंथ है वही वेक्टर इस वेक्टर की भी है, ओके और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन जो मैंने नया वेक्टर ड्रॉ किया उसकी है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों वेक्टर कैसे है, इक्वल। ये दोनों वेक्टर कैसे है, इक्वल, ओके। तो ये वेक्टर भी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, मतलब जो हमने नया वेक्टर ड्रॉ किया वो वेक्टर भी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, और दोनों की वैल्यू भी क्या है, सेम। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर को हम उसकी पोजीशन मतलब के डायरेक्शन एंड उसकी वैल्यू दोनों चेंज किए बिना कहीं शिफ्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू कैसी होती है, उस वेक्टर जितनी ही होती है। तो यहाँ पे ए की जो लेंथ थी वही ये वेक्टर की लेंथ है और ए की जो डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन इसकी भी है, मतलब दोनों की लेंथ भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो ये वेक्टर दोनों कैसे हो गए, इक्वल, मतलब इसकी वैल्यू अगर ए है तो इसकी भी क्या हो जाएगी, ए। अब चलो ये कैसे ज्वाइंट हो गए हेड टू हेड, ये दोनों कैसे ज्वाइंट हो गए हेड टू हेड, ओके। तो चलो अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया गया था, क्वेश्चन में कुछ डिटेल तो देनी पड़ती है, सपोज ऐसा दिया गया था ये एंगल कितना है, थीटा है, कितना है, थीटा। क्वेश्चन में दिया गया था ये एंगल कितना है, थीटा, ओके। तो चलो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो चलो डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाया था कंसेप्ट के अंदर, इफ वी कनेक्ट टू वेक्टर्स हेड टू हेड और टेल टू टेल देन स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम इज एक्चुअल एंगल ऑफ टू वेक्टर्स, ओके। तो यहां पे हमने क्या किया, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी दोनों हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्टेड नहीं थे, इसलिए मैंने क्या किया, इस ए वेक्टर को थोड़ा आगे शिफ्ट किया उसकी वैल्यू और डायरेक्शन चेंज किए बिना, ओके। क्या उसकी डायरेक्शन और उसकी वैल्यू हमें चेंज करनी नहीं है, सिर्फ हमें क्या करनी है, उसकी पोजीशन थोड़ी शिफ्ट करनी है, ओके। तो चलो अब क्या हो गया, ये हेड टू हेड, सॉरी ये टेल टू टेल कनेक्शन हो गया, मतलब बी वेक्टर की भी क्या है, टेल, और ए वेक्टर जो हमने नया ड्रॉ किया उसकी भी क्या है, टेल। तो दोनों टेल टू टेल, क्या हो गए, कनेक्टेड। तो अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या हो गया हमारा, वेक्टर, सॉरी एंगल ऑफ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ओके, क्या हो गया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो चलो अब मुझे बताओ, अगर ये जो सिचुएशन, मतलब क्वेश्चन में जो एंगल दिया गया था वो कितना आया, थीटा, ओके, यहां पे एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 180 होगा, ये एंगल कितना होगा, 180। अब चलो टोटल एंगल कितना था, थीटा, ये एंगल कितना आया, 180। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम 180 में, सॉरी थीटा में से 180 माइनस कर दे, तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। अगेन आई रिपीट, टोटल एंगल आपको कितना दिया गया था, थीटा, ये कितना एंगल है, 180, क्योंकि आपको पता ही है यूनिट सर्कल आपने सबने ड्रॉ किया होगा, ये क्या है, यूनिट सर्कल, ओके। यहाँ पे क्या होता है, जीरो, यहाँ पे क्या डिग्री होती है, 90 डिग्री,
ये कितनी डिग्री होती है 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे कितनी डिग्री होती है 360। ओके तो चलो यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में कितना एंगल है 0 से 180 का, तो यहाँ पे भी हमने क्या अज्यूम कर लिया 180 डिग्री का एंगल। ओके तो चलो अब पूरा एंगल कितना था थीटा, ये एंगल कितना है 180, तो अगर हम थीटा में से 180 माइनस कर दे तो ये बीच का एंगल बच जाएगा जो कितना मिला थीटा माइनस 180। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा माइनस 180। क्या आएगा थीटा माइनस 180। तो यहाँ पे देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके चलो ऐसा सिंपल क्वेश्चन दिया था, पहले तो आप लोगों को सबको ऐसा लगेगा कि वेक्टर ए और बीच का एंगल थीटा तो दिया है। ओके क्वेश्चन में ही वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल थीटा दिया था तो आप लोगों को यह लगेगा कि ये बाय मिस्टेक दिया है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर कैसा होता है, या तो हेड टू हेड या तो टेल टू टेल। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। ओके चलो एक और क्वेश्चन में देता हूं, मतलब एंगल फाइंड करने का एक क्वेश्चन देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा एक ट्राइंगल दिया है, फॉर एग्जाम्पल चलो क्वेश्चन नंबर टू, इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन नंबर टू। चलो यहां पे हम क्या अज्यूम करते हैं, हमें एक ट्राइंगल दिया है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्राइंगल है। ओके हाँ चलो ऐसे ही ले लेते हैं, चलो ये एक ट्राइंगल दिया गया, ठीक है। अब ट्राइंगल के अंदर क्या बोला है, कोई बात नहीं फिर से हम ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना है। ओके चलो तो ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया। ओके चलो तो क्वेश्चन ऐसा दिया गया, एक इक्विलेटरल क्या है ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल क्या है ट्राइंगल, उसके अंदर वेक्टर्स है, उस वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, ये हो गया सपोज हमारा वेक्टर ए, ये क्या हो गया हमारा वेक्टर ए, ये क्या हो गया हमारा वेक्टर बी, ये हो गया हमारा वेक्टर बी, और यहाँ पे दे दिया सपोज वेक्टर सी, यहाँ पे दे दिया वेक्टर सी, मतलब वेक्टर ए की डायरेक्शन इस तरीके से, वेक्टर बी की डायरेक्शन नीचे है और वेक्टर सी की डायरेक्शन क्या है ऊपर। तो क्वेश्चन ये दिया था, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया था, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी एंड सी एंड ए, ये सभी क्या है वेक्टर, मतलब क्वेश्चन। चलो यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए आपको, 3। एंगल फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी एंड सी एंड ए। ओके चलो तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, चलो हम लेते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 हम किसके लिए ले रहे हैं, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके चलो तो क्वेश्चन क्या था, मतलब के हमने कंसेप्ट क्या दिया था, कंसेप्ट दिया था इफ वी कनेक्ट टू वेक्टर्स हेड टू हेड और टेल टू टेल देन एंगल बिटवीन देम, बट स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम इज अवर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ओके चलो यहाँ पे किसके बीच का एंगल फाइंड करना है हमें, ए एंड बी का। तो चलो ये हो गया हमारा वेक्टर ए, ये हो गया हमारा वेक्टर बी, दोनों हेड टू हेड कनेक्टेड है। ओके फिगर में क्लियरली दिख रहा है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों हेड टू हेड कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे ये दोनों क्या है हेड टू हेड कनेक्टेड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों क्या है हेड टू हेड कनेक्टेड है। अगर दोनों हेड टू हेड कनेक्टेड है तो हमें कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर क्या होता है, अगर हम किसी दो वेक्टर को हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्ट करें तो उन दोनों के बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो हो गया हमारा एंगल। तो ये दोनों पहले से ही हेड टू हेड कनेक्टेड है, कोई बात नहीं। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा,
ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फॉर एग्जाम्पल ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। तो चलो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 60 डिग्री। चलो आया समझ में कुछ। अब चलो सेकेंड क्वेश्चन, मतलब कि सेकेंड केस लेते हैं हम। सेकेंड केस में हम क्या लेंगे, सेकेंड केस में हम लेंगे एंगल बिटवीन अब चलो ए और बी का केस तो खत्म हो गया, अब एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अब चलो वेक्टर बी कैसे, इस तरीके से, वेक्टर सी कुछ इस तरीके से, ओके तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन बी एंड सी। तो चलो कंडीशन क्या थी, या तो हमें दोनों को हेड टू हेड कनेक्ट करना है या तो टेल टू टेल। तो चलो इस एंगल को मैं, मतलब ये जो बी वेक्टर है उसे मैं क्या करता हूँ, पीछे शिफ्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, पीछे शिफ्ट करता हूँ। तो चलो ये बी बी को मैंने क्या किया, पीछे शिफ्ट किया। तो चलो अब बी का एरो क्या हो, कहाँ आ जाएगा, मतलब बी नीचे जा रहा है ना, तो अगर बी को मैंने ऊपर ले लिया, बी को मैंने कहाँ पे ले लिया, ऊपर, तो एरो तो कहाँ रहेगा, नीचे ही रहेगा ना, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमें चेंज करनी नहीं है, सिर्फ उसको यहाँ से उठा के हमें कहाँ लिख देना है, ऊपर, मतलब यहाँ से शिफ्ट करके हमें कहाँ ले जाना है, ऊपर, ओके। तो उसकी डायरेक्शन तो कभी चेंज नहीं होगी। तो चलो बी कहाँ चला गया, यहाँ से ऊपर। अब दोनों के हेड कनेक्ट हो गए, अब दोनों के हेड क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। अब सोचो ये एंगल कितना था 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 180 माइनस 60। तो ये जो बाकी का एंगल बचा वो कितना होगा, 180 माइनस 60, मतलब 120 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 120 डिग्री। आया समझ में कुछ, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी हेड टू हेड और टेल टू टेल कनेक्टेड नहीं थे, इसलिए मैंने बी वेक्टर को शिफ्ट किया पीछे, उसकी डायरेक्शन भी मैंने चेंज नहीं की और उसकी वैल्यू भी मैंने चेंज नहीं की, सिर्फ यहाँ से उठा के मैंने पीछे क्या कर दिया, शिफ्ट। तो बी और सी का हेड कनेक्ट हो गया। अब उन दोनों के बीच में जो स्मॉल एंगल बन रहा है वो क्या होगा, मेरा एक्चुअल एंगल। तो चलो अब क्या हो गया, यहाँ पे एंगल था 60, टोटल एंगल कितना होगा 180, मतलब एक लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, ये जो मैंने यहाँ पे यूनिट सर्कल ड्रॉ किया था, तो सीधी लाइन है तो उसके उसका एंगल कितना होगा 180, इसीलिए यहाँ पे टोटल एंगल कितना था 180, उसमें से ये 60 अगर हम माइनस कर दे तो बाकी का जो एंगल बचेगा वो हमारा एंगल होगा, कितना मिला हमें 120। ओके चलो अब केस नंबर थ्री, केस नंबर थ्री हमें क्या दिया था, केस नंबर थ्री में हमें बोला था फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। तो चलो ये रहा हमारा वेक्टर ए और ये रहा हमारा वेक्टर सी। आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड है, दोनों टेल टू टेल, मतलब यहाँ पे ए की टेल है, यहाँ पे सी की टेल, दोनों टेल टू टेल क्या है, कनेक्टेड। अगर दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड है तो हमें चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चेंज कब करना पड़ता है, जब दोनों के हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्टेड ना हो तब, ओके। तो यहाँ पे तो दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड है तो चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 60 डिग्री। ओके चलो अब आपको कोई पूछे एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स हो जाएगा सोल्व या नहीं, कमेंट में बताओ मुझे। ओके कोई भी क्वेश्चन पूछे एंगल बिटवीन एनी टू थिंग, ओके तो आपको इजीली इसका आंसर पता होगा। ओके यस और नो मुझे कमेंट बताओ, ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं। मोस्ट ऑफ बच्चे इसी कंसेप्ट में मिस्टेक करते हैं, मतलब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ही फाइंड नहीं कर सकते, ओके क्योंकि उसे रियल कंसेप्ट पता ही नहीं है। ओके चलो अब हमने एक बात की थी पोजीशन, ओके तो चलो पोजीशन का एग्जांपल हमने कौन सा लिया था, टू डायमेंशनल वाला, मतलब के यहां पे मैंने चलो आपको पोजीशन दिखाई थी, ये रही इस स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था, पोजीशन। तो चलो कोई एक वेक्टर था आर वेक्टर,
उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, 0 0, फाइनल पोजीशन क्या थी, एक्स वाई, तो उसका पोजीशन वेक्टर हमें क्या मिल गया, आर। अब पोजीशन वेक्टर आर की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी हो तो उसकी मेथड क्या थी, हेड माइनस टेल। हेड क्या है, एक्स वाई, टेल क्या है, 0 0, क्योंकि हेड था एक्स वाई, टेल थी 0 0, सो एक्स वाई माइनस 0 0, तो पोजीशन वेक्टर हमें मिल गया एक्स कोमा वाई। ओके, इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहां पे मैं लिख के दिखा देता हूं। इसको हमें और एक मेथड से लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स। अब चलो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, मतलब जो हमारे पास कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस का ही है, अगर हमें यह बताना हो तो हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस आर कैरेट। तो यहां पे हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई कैरेट। आई कैरेट एक्चुअल में रिप्रेजेंटेटर है ऑफ एक्स एक्सिस, तो आई कैरेट मल्टीप्लाई करने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन पता चल जाएगी। प्लस वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, वाई, तो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जे कैरेट। तो यहां पे मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, लिख सकता हूं, और मतलब पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करने के टोटल कितने तरीके हैं, दो, अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है तो एक्स कोमा वाई, ओके, बट दूसरी मेथड से लिखना है तो एक्स प्लस वाई, मतलब टोटल वैल्यू कितनी है। यहाँ पे मैंने बताया था कि इस वेक्टर ने क्या की, अपनी पोजीशन चेंज की, बट थोड़ी पोजीशन एक्स एक्सिस में भी चेंज की थी, थोड़ी पोजीशन वाई एक्सिस में भी चेंज की थी, तो उसका आंसर एक्स में भी कुछ आएगा, प्लस उसका कुछ आंसर वाई में भी आएगा। ओके, तो एक्स का डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई कैरेट। वाई का डिस्प्लेसमेंट स्पेसिफाई करने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जे कैरेट। चलो क्लियर, यस और नो, ओके। अब नेक्स्ट थिंग थी पोजीशन। चलो पोजीशन तो मैंने बता दी थी कि एक्चुअल में पोजीशन वेक्टर होता क्या है। अब चलो एक क्वेश्चन में आपको पोजीशन का थोड़ा डिफिकल्ट देता हूं, अगर वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया उसका मतलब पोजीशन आपको 100% समझ में आ गया। ओके, चलो चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब सिंपली हमें इतना तो पता है ये एक्सिस कौन सी है एक्चुअल में, एक्स एक्सिस। ये एक्सिस एक्चुअल में क्या है, एक्स एक्सिस, मतलब यहां से जो निकलती है वो कौन सी एक्सिस होती है, सॉरी एक्स नहीं, हम ऑर्डिनरी मेथड यूज करते हैं, यहां पे कौन सी एक्सिस है, फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस, यहां पे कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और जो बाहर निकल रही है वो कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। यहां पे आपको एक क्यूब दिया गया है, क्यूब एक्चुअल में कैसा होता है, 3 डायमेंशनल। क्यूब एक्चुअल में कैसा होता है, 3 डायमेंशनल। अगर क्यूब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप रूम में बैठे हो तो उस रूम को क्या अज्यूम कर लेना, एक क्यूब। ओके, यहां पे क्यूब की साइड कितनी दी गई थी, यहां पे क्यूब की साइड दी गई है ए, यहां पे क्यूब की साइड क्या दी गई है, ए, मतलब के हर एक साइड की वैल्यू क्यूब में कितनी होगी, ए। कोई भी साइड ले लो, क्यूब में साइड की वैल्यू कितनी होगी, ए। ओके, तो चलो हम यहां पे नाम दे देते, कोई भी नाम दे दो यहां पे, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे नाम दे रहा हूं, इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं ए, इस पॉइंट का मैं नाम दे रहा हूं बी, इस पॉइंट का मैं नाम दे रहा हूं सी, यहां पे मैं नाम दे रहा हूं डी, यहां पे नाम दे रहा हूं मैं सपोज ई, यहां पे नाम दे रहा हूं मैं ई, एफ एंड जी। ओके, यहां पे मैंने क्या नाम दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, क्यूब के मैंने कितने पॉइंट अज्यूम किए, 8। ओके, अब सबकी पोजीशन हमें फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें सबकी पोजीशन फाइंड करनी है तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपल मेथड है, बताता हूं मैं आपको। चलो अब इतना तो पता ही है, ये ओरिजिन है ना, मतलब तीनों एक्सिस यहाँ पे कंबाइन हो रही है, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस यहाँ पे कंबाइन हो रही है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन। अगर ये हमारा ओरिजिन है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0 0। ओके, अब चलो ये पॉइंट, अब सी पॉइंट पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। सी पॉइंट पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, साइड जितना, मतलब ए। वाई एक्सिस में हमने कुछ डिस्टेंस कवर नहीं किया, मतलब 0। जेड में भी हमने कुछ डिस्टेंस कवर नहीं किया, मतलब 0। अब चलो बी पॉइंट पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डी से आना पड़ेगा सी पे,
मतलब x एक्सिस में डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ये B पॉइंट एक्चुअल में बाहर है, B पॉइंट एक्चुअल में क्या है, बाहर की तरफ है, मतलब कि हमें पहले आना पड़ेगा x एक्सिस में a जितना, फिर वहां से कहां आना पड़ेगा बाहर, बाहर मतलब z एक्सिस, उसमें भी कितना चलना पड़ेगा a जितना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए a, y एक्सिस में हमने डिस्टेंस कवर ही नहीं किया मतलब 0, z एक्सिस में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया a। ओके सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहां पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या इस पॉइंट पे हमें आने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो बताओ इस पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा। सपोज एक और एग्जांपल देता हूं, ये पॉइंट, अब इस पॉइंट पे आने के लिए या इस पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट लेता हूं सबसे अलग है इसलिए, तो इस पॉइंट पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहां से वाई एक्सिस में डिस्टेंस करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, वहां से कहां आना पड़ेगा, ये ई पॉइंट एक्चुअल में कहां पे है, बाहर की तरफ है ना, ये E पॉइंट एक्चुअल में कहाँ है, बाहर की तरफ है, मतलब हमें पहले ऊपर जाना पड़ेगा मतलब Y में डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, फिर बाहर आना पड़ेगा मतलब Z में डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो X में हमने कुछ किया ही नहीं मतलब 0, Y में हमने A जितना डिस्टेंस कवर किया और Z में भी हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, A जितना। तो इसी तरीके से आप कोई भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से आप कोई भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ओके चलो इतना क्लियर हो गया, चलो इतना क्लियर। तो ये था हमारा पोजीशन वेक्टर। अब इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट जो हम इस लेक्चर में करने वाले थे वो था एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ओके मैंने पहले ही बोला था इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, मतलब के नॉर्मल एलजेब्रा से ये थोड़ा अलग है, तो यहाँ पे हम वही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ओके सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या स्टडी करना है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो बेसिकली एडिशन की टोटल मेथड कितनी है, बेसिकली एडिशन की टोटल टू मेथड है, फर्स्ट वन इज ट्राइंगल मेथड और दूसरी मेथड क्या है, पैरेललोग्राम की। ओके एडिशन की पहली मेथड क्या है, ट्राइंगल एडिशन, और दूसरी क्या है, पैरेललोग्राम एडिशन। ओके स्टेप बाय स्टेप दोनों के रूल समझ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप दोनों के रूल समझ रहे हैं। चलो यहां पे मैं दोनों के रूल समझाता हूं पहले आपको। चलो यहां पे मैं दोनों के रूल समझाता हूं। चलो फर्स्ट, अब चलो ट्राइंगल के लिए हमें क्या करना है, पहले नॉर्मल स्टेप समझो, यहां पे मैं नॉर्मल स्टेप समझा रहा हूं फिर हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमें कौन सा ध्यान में रखना है, ट्राइंगल मेथड यूज करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमें कौन सा ध्यान रखना है, फर्स्ट स्टेप हमें ध्यान रखना है जॉइंट वेक्टर्स, फर्स्ट स्टेप हमें याद रखना है जॉइंट वेक्टर्स इन ऑर्डर। ओके फर्स्ट स्टेप हमें क्या याद रखना है, जॉइंट वेक्टर्स इन ऑर्डर, और सेकेंड स्टेप हमें क्या याद रखना है, सेकेंड स्टेप हमें याद रखना है कंप्लीट थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इन रिवर्स ऑर्डर। चलो यहां पे मैंने दो वर्ड लिखे, फर्स्ट वर्ड मैंने क्या लिखा था, यहां पे फर्स्ट वर्ड मैंने लिखा था कि जॉइन वेक्टर्स, सॉरी यहां पे वेक्टर्स आएगा ना, दो वेक्टर है। ओके चलो तो फर्स्ट वर्ड मैंने क्या लिखा था, यहां पे जॉइन वेक्टर्स इन ऑर्डर, यहां पे मैंने लिखा है इन ऑर्डर। फर्स्ट वर्ड मैंने क्या लिखा है, जॉइन वेक्टर्स इन ऑर्डर, और दूसरा मैंने यहां क्या लिखा है, कंप्लीट थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इन रिवर्स ऑर्डर, कंप्लीट थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब यहां पे दूसरा क्या याद रखना है, रिवर्स ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल दो वेक्टर आपको दिए गए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सपोज आपको कितने वेक्टर दिए गए, दो वेक्टर दिए गए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब चलो क्वेश्चन क्या था, जॉइन वेक्टर्स इन ऑर्डर, जॉइन वेक्टर्स इन ऑर्डर, इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक जहां खत्म होता है वहां से दूसरा क्या होगा, स्टार्ट। इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक वेक्टर जहां पे खत्म होगा वहां से दूसरा वेक्टर क्या होगा, स्टार्ट। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने एक वेक्टर ले लिया ए, यहां पे हमने सपोज एक वेक्टर ले लिया ए, जो कुछ इस तरीके से था, यहां पे हमने सबसे पहला वेक्टर कौन सा लिया, वेक्टर ए,
जो कुछ इस तरीके से था, ये वेक्टर यहाँ पे क्या हो गया खत्म, ये वेक्टर यहाँ पे क्या हो गया खत्म, तो यहाँ से हम कौन सा वेक्टर स्टार्ट करेंगे, दूसरा। यहाँ से हम कौन सा वेक्टर स्टार्ट करेंगे, दूसरा वेक्टर। तो चलो ये वेक्टर कौन सा हो गया, सपोज बी। ओके, फर्स्ट लाइन मैंने क्या बताई थी, ज्वाइन वेक्टर्स इन ऑर्डर। ओके, मतलब हमें ऑर्डर में ज्वाइन करना है, ऑर्डर में मतलब एक जहां पे खत्म होगा वहां से दूसरा क्या होगा स्टार्ट। तो चलो ए वेक्टर यहाँ पे हो गया खत्म, ओके, वहां से हमने दूसरा बी वेक्टर क्या कर दिया साइड, सॉरी स्टार्ट। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका सिंपल मतलब ये हो गया, उसका सिंपल मतलब ये हो गया कि दोनों के अंदर क्या होगा, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि दोनों के अंदर क्या होगा, हेड टू टेल कनेक्शन होगा। क्या होगा, हेड टू टेल, मतलब एक का हेड और दूसरे की टेल हमें क्या करनी है, कनेक्ट। एक का हेड और दूसरे की टेल, उसको हमें क्या करना है, कनेक्ट। अब चलो दूसरा पॉइंट क्या बताया था, दूसरा पॉइंट हमें क्या बताया था, कंप्लीट थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब कि अगर रियल ऑर्डर क्या है, ये वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हुआ, जहां से ए वेक्टर खत्म हुआ वहां से हमने दूसरा वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया। अब कंटिन्यू ऑर्डर किसे कहेंगे, ए से आए हम बी, जो यहां से हम आए यहां पे, यहां से गए ऊपर, तो अब कहां आना है, नीचे। कंप्लीट ऑर्डर किसे कहते हैं, इस डायरेक्शन को कहते हैं ना, कंप्लीट ऑर्डर किसे कहते हैं, इस डायरेक्शन को। मतलब ए से यहां पे आए, यहां से गए ऊपर, तो अब ऊपर से कहां पे आना होगा हमें, नीचे। बट यहां पे क्लियरली लिखा है रिवर्स ऑर्डर, यहां पे क्लियरली क्या लिखा है, रिवर्स ऑर्डर। मतलब कि जो ऑर्डर में आप जा रहे हो उससे अब कहां चलना है, रिवर्स में। आप जिस ऑर्डर में जा रहे हैं उससे कहां जाना है, रिवर्स। मतलब यहां से हम यहां गए, फिर वहां से गए ऊपर, तो अब कहां आना था, नीचे। बट नीचे के बदले हम कहां जाएंगे, ऊपर। समझ में आया कुछ, रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है जिस ऑर्डर में आप जा रहे हो उससे उल्टा जाना है। तो एक्चुअल में यहां से राइट हैंड साइड गए थे, फिर गए थे ऊपर, तो ऊपर से कहां आना था, नीचे। बट नीचे आने के बदले रिवर्स ऑर्डर में, मतलब कहां पे जाना है, ऊपर। तो ये जो ब्लू लाइन मिली, ये हमें जो ब्लू लाइन मिली वो एक्चुअल में क्या है, हमारा आर। ये जो ब्लू लाइन मिली वो एक्चुअल में हमारा क्या है, आर। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रिजल्टेंट। आर का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट। ओके, रिजल्टेंट मींस आर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी। तो ये हो गया हमारा एडिशन, R इज इक्वल टू ए प्लस बी। चलो समझ में आया कि नहीं, कमेंट में बताओ मुझे। ओके, सिंपल दो रूल याद रखने हैं। मैंने वही बताया था कि मैं कंसेप्ट पूरा आपको क्लियर करवा दूंगा कि एक्चुअल में एडिशन ऑफ फैक्टर्स क्या है। ओके, उसका एल्जेब्रिक मेथड थोड़ी डिफरेंट है, बट डिफरेंट है तो किस तरीके से हमें करना है वो मैंने सिंपल दो स्टेप में आपको बता दिया। सबसे पहले क्या करना है, जो दो वेक्टर हमें दिए गए हैं उसकी पोजीशन और डायरेक्शन, मतलब उसकी वैल्यू और उसकी डायरेक्शन हमें चेंज करनी नहीं है, सिर्फ उसको क्या करना है, शिफ्ट। उसकी डायरेक्शन और उसकी वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी है, सिर्फ हमें क्या करनी है, उसको एज इट इज कहां करना है, शिफ्ट। और ऐसे अरेंज करना है कि दोनों वेक्टर ज्वाइन हो जाए इन ऑर्डर। दोनों वेक्टर क्या हो जाए, दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, इन ऑर्डर ज्वाइन हो जाएंगे। मतलब एक वेक्टर जहां पे खत्म हो रहा है वहां से ही दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब जो ट्रायंगल है उसे हमें कंप्लीट कैसे करना है, इन रिवर्स ऑर्डर। इन रिवर्स ऑर्डर मतलब के यहां से हम राइट हैंड साइड गए, फिर गए ऊपर, तो ऊपर से हमें कहां आना था, नीचे। बट रिवर्स ऑर्डर मतलब ऊपर। तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर जो मिलेगा वो क्या होगा, ये थर्ड साइड, मतलब ये आर। और आर की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस बी। चलो डन 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 डन। अब क्या हो जाएगा, दूसरी मेथड, मतलब पैरेललोग्राम की मेथड। अब चलो पैरेललोग्राम की मेथड एक्चुअल में है क्या, पैरेललोग्राम की मेथड के अंदर में उसमें भी आपको मैं सिंगल दो स्टेप में ही बता दूंगा। अब चलो फर्स्ट स्टेप में क्या याद रखना है, ओके, चलो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट स्टेप में आपको याद रखना है ज्वाइन टू वेक्टर्स हेड टू हेड और टेल टू टेल।
यहाँ पे हमने क्या किया था, इन ऑर्डर अरेंज किया था। यहाँ पे हमें कैसे अरेंज करना है, हेड टू हेड और टेल टू टेल। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, वेक्टर्स को हमें ज्वाइन करना है, बट कैसे, हेड टू हेड या टेल टू टेल। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कंप्लीट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को क्या करना है हमें, कंप्लीट जो हमें डायगोनल मिल रहा है, जो हमें डायगोनल मिल रहा है वही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट। जो हमें डायगोनल मिल रहा है वही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट। डायगोनल ही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट। यहां पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा वेक्टर ए। सपोज ये हो गया हमारा वेक्टर ए। ओके, ये हो गया हमारा वेक्टर ए। अब वेक्टर ए को वेक्टर बी से ज्वाइन कैसे करना है, हेड टू हेड या टेल टू टेल। तो चलो मैं दूसरे वेक्टर को कैसे कनेक्ट करूंगा, हेड टू हेड या टेल टू टेल। तो चलो दूसरे वेक्टर को मैंने कैसे कनेक्ट कर दिया, टेल टू टेल। चलो हो गया टेल टू टेल कनेक्ट। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप मुझे मैंने बताया था, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, और उसके बाद क्या करना है, जो डायगोनल हमें मिल रहा है वो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो चलो इसको मैंने ऐसे आगे खींचा और इसको मैंने यहां से ऊपर कनेक्ट किया। तो चलो मुझे यहां मिल क्या गया, एक पैरेललोग्राम। तो यहां पे बीच में जो मुझे डायगोनल मिल रहा है, बीच में जो मुझे ये डायगोनल मिल रहा है वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आर। ओके, तो दोनों मेथड एक्चुअल में सेम ही है, क्योंकि ये हो गया मेरा वेक्टर ए, ये क्या है वेक्टर, ये एक्चुअल में क्या है वेक्टर बी। तो चलो यहां पे ट्रायंगल में भी यही था ना, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर हो गया बी, ये भी हो गया वेक्टर बी। दोनों के बीच में जो मुझे ये हाइपो मिला था वो क्या था, रिजल्टेंट। यहां पे डायगोनल है वो भी क्या है, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट की फॉर्मूला क्या होती है, ए प्लस बी। तो ये थी एक्चुअल में हटके अलजेब्रा मेथड ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो वेक्टर्स के अंदर एडिशन की मेथड ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब हम ऑर्डिनरी क्या करते हैं, 3 + 4 क्या हो जाता है, 7। बट वेक्टर के अंदर अगर हम करते हैं 3 + 4 तो उसकी वैल्यू 1 से लेके 7 तक कुछ भी आ सकती है, डिपेंड्स ऑन अ सिचुएशन। ओके, अब यहाँ पे अगर हम एंगल चेंज करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर में चेंज आ जाएगा। ओके, अब उसका जो डेरिवेशन है, मतलब इस एडिशन का, मतलब ये आर है वो क्या है, ए प्लस बी। तो उसके जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। अगर ये कंसेप्ट में अभी भी कोई डाउट है तो सिर्फ रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस की। ओके, सिर्फ क्या करना है, दो स्टेप याद रखने, अगर ट्रायंगल लॉ यूज करना है तो, और पैरेललोग्राम लॉ यूज करना है तो भी, क्या करना है, सिर्फ ये दो पॉइंट याद रखने। अगर ट्रायंगल लॉ यूज करना है तो वेक्टर को कैसे कंबाइन करना है, इन ऑर्डर, मतलब लाइन में, एक जहां पे खत्म होगा वहीं से दूसरा स्टार्ट होगा। पैरेललोग्राम की मेथड यूज करनी है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों वेक्टर को ज्वाइन करना पड़ेगा, बट हेड टू हेड या टेल टू टेल। दूसरा स्टेप यहां पे क्या था, ट्रायंगल में दूसरा स्टेप था कि ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कंप्लीट, बट इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब यहां पे हमने क्या किया था, ए वेक्टर गया था पहले राइट हैंड साइड, फिर गया था ऊपर, तो एक्चुअल में हमें कहां आना था, अब नीचे, बट रिवर्स ऑर्डर करने के लिए हम कहां पे आ गए, ऊपर, और वो हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर आर, जिसे हम कह सकते हैं ए प्लस बी। पैरेललोग्राम में वो कुछ नहीं है, सिर्फ पैरेललोग्राम को क्या करना है हमें, कंप्लीट, और बीच में जो हमें मिल जाएगा डायगोनल वो हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर की फॉर्मूला हमें पता ही है, रिजल्टेंट वेक्टर आर की फॉर्मूला क्या होती है, ए प्लस बी। ओके, तो अब इसका जो डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।